पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। विशेष तौर पर आपको बता दें कि 1947 में जब हमारे देश के जवानों ने अपना बलिदान दिया तो देश हमारा आजाद हुआ। विशेष तौर पर आपको बता दें कि आज पूरे देश में तिरंगे को फहराकर इस जगह जगह पर सलामी दी जा रही है। हम आपको ले चलते हैं भिवंडी शहर, जहां पर भिवंडी शहर के DCP, प्रांत, महानगर पालिका और कई राजनीतिक कार्यालय पर तिरंगे को फहराकर सलामी दी गई, एक दूसरे से मुलाकात की गई, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी दिया गया। ऐसे हम आपको ले चलते हैं वार्ड क्रमांक 5 के जो नगर सेवक हैं मलिक मोमिन, उन्होंने आज हमारे चैनल से वार्तालाप किया और तमाम देशवासियों को, भिवंडी वासियों को इस स्वतंत्र दिवस जो कि 73 साल पूरे हो चुके हैं इस पर उन्होंने भिवंडी वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं दिए और हिंदू मुस्लिम एकता का, भाईचारा का संदेश देते हुए क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। आज आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों को और भिवंडी वासियों को आज़ादी की परखलूस मुबारकबाद। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जो हमारे फौजी शहीद हुए, आज उनको मैं तहे दिल से याद करता हूँ। वहीं हमारे भिवंडी की बात की जाए तो भिवंडी शहर अमन और शांति का शहर है, हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है। वहीं पर आज प्रांत ऑफिस, DCP ऑफिस, हमारी महानगर पालिका, जहां मैं उपस्थित था, एक चीज़ देखने मिली कि हमारा शहर वाकई में हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है। मैं फिर से मेरे और मेरी परिवार की ओर से सारे देशवासियों को, भिवंडी वासियों को आज़ादी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News। धन्यवाद।